जैसा कि आपको पता है कि हम सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पे काम कर रहे हैं, यानी आज का ये सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही आधारित है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे वैसे थ्योरी का, जिससे कि आप जानेंगे कि सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके साथ कैसे सही वर्ब का यूज करें। इस चैप्टर को आप सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक शब्द देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, वर्ब। आपने इसके बारे में पहले से सुना होगा, इसके कई सारे डेफिनेशंस हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन अभी मैं इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बतलाता हूं। वर्ब के बारे में सिंपल सा डेफिनेशन होता है, एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक एक्शन को वर्ब कहते हैं। दुनिया में भी जितना भी एक्शन है दुनिया में सबको वर्ब कहा जाता है। एक्शन का मतलब होता है कार्य, जितने भी कार्य हैं उनको वर्ब के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, गो, प्ले, रीड, वॉक, लाफ, सिंग, रन और ऐसे अनेकों वर्ड्स जो वर्ब के रूप में होते हैं। जब आप वर्ब को जानते हैं तो एक बात और जानते होंगे कि वर्ब के फाइव फॉर्म्स होते हैं। देयर आर फाइव फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? फाइव फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के फॉर्म को आप वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर और वी फाइव करके पुकारते हैं, हालांकि इनका नाम भी होता है। सबसे पहले जानिए, वी वन को हम प्रेजेंट प्लूरल, वी टू को पास्ट, वी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल, वी फोर को प्रेजेंट पार्टिसिपल और वी फाइव को प्रेजेंट सिंगुलर के नाम से जानते हैं। कोई वर्ब लेकर के उसके फॉर्म को देखते हैं, जैसे शब्द गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये वर्ब के चार फॉर्म है, वर्ब के फोर सॉरी फाइव फॉर्म्स है। ये इस फॉर्म पे हमको थोड़ा सा को ध्यान देना है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है यहां पर वी फोर। एक्चुअली होता क्या है कि वी फोर यानी कि वर्ब प्लस आई एन जी जो है उसके नॉर्मली दो फॉर्म होते हैं। एक तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होते हैं और दूसरा एक जेरंड के रूप में यूज होते हैं। ये जो वर्ब है, वर्ब का जो वी फोर है, वर्ब का आईएनजी, इसको दो तरह से नॉर्मली यूज किया जाता है। इसके दो तरीका होते हैं, एक या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होते हैं और एक जेरंड के रूप में यूज होते हैं। यानी कि मैं बता दूं कि वी फोर ही जेरंड है और वी फोर ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक सवाल मन में आ रहा होगा कि अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड की बात क्यों कर रहे हैं, तो सिंटेक्स चैप्टर में जेरंड की आवश्यकता होती है। जेरंड से आधारित मैं कुछ थ्योरी बताने वाला हूं, मैं बार बार जेरंड शब्द का यूज करूंगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बात आ जाए कि जेरंड होता क्या है। तो जरा जेरंड को देख लेते हैं और जब जेरंड को देख लेंगे तो उससे रिलेटेड थ्योरी को समझने में आसानी होगी। तो इतना तो आप जानिए, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, वर्ब की। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होता है? एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। दुनिया में जितने भी काम है, जितने भी एक्शन है, सबको वर्ब के रूप में जाना जाता है। जैसे शब्द हमारे सामने गो, प्ले, रीड, वॉक, लाफ, सिंग, रन, ये सब वर्ब के रूप में आते हैं। वर्ब है तो उसके फाइव फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, जिसको वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव के रूप में जानते हैं। हालांकि इसका नाम भी होता है प्रेजेंट प्लूरल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सिंगुलर, वी फोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड के रूप में भी जाना जाता है। तो अब सवाल ये उठेगा कि वी फोर को कब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जानते हैं, वी फोर को कब जेरंड के रूप में जानते हैं, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि वी फोर हमारा कब प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वी फोर हमारा कब जेरंड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। बस इतना ही समझिए कि चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट का स्टडी करना है, या फिर आप इसको सिंटेक्स के रूप में जानते हैं। जब तक किसी भी सेंटेंस में आप सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तब तक उसके साथ सही वर्ब के यूज होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, जेरंड, और ये क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट बोलिए पार्टिसिपल।
इस दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। ठीक है, बचपन से आपने टेंस पढ़ा होगा, सब लोग पढ़ते हैं, तो टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस में स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे स्ट्रक्चर्स होने का मतलब समझिए, जैसे प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आपने एक टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह आए ना आए मैंडेटरी नहीं है। तो जब भी कोई सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ना, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यहां पर बी फोर का यूज किया गया है। तो मैं बता दूं कि टेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, पास्ट हो फ्यूचर हो, किसी भी टेंस में उसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो वी फोर आता है, ये जो वी फोर होगा हमारा, ये हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। ठीक है, मतलब इस तरह से जो हमारे पास वी फोर आएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, अब इसी सेंटेंस को आप ले लीजिए, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और प्लेइंग क्या है यहां पर? वी फोर है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसलिए ये जाना जाता है यहां पर क्योंकि ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आया है। लेकिन मैं बता दूं, ये जो वी फोर है उसका यूज इसके अलावा भी होता है। ये जो वी फोर है वर्ब प्लस आई एन जी है, वर्ब प्लस आई एन जी वी फोर, यानी जिसको कि हम वर्ब प्लस आई एन जी बोलते हैं, हैज अदर यूजेस टू, इनके दूसरे भी यूजेस हैं। दूसरे यूजेस कहने का मतलब कि भी फोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो नाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। इस बात को हम लिखते भी हैं, वी फोर इज यूज्ड एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव। मतलब वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो नाउन के रूप में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। बस यही अंतर समझना है। जब टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम वी फोर का यूज करते हैं तो वो वी फोर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, लेकिन जब ये वी फोर नाउन एंड एडजेक्टिव के रूप में आता है तो वो हमारा जेरंड होता है। इस बात को हम यहां पर रिमार्क के रूप में लिख भी देते हैं आपके लिए। व्हेन वी फोर इज यूज्ड एज अ नाउन और एन एडजेक्टिव, इट इज कंसीडर्ड टू बी जेरंड। तो इसको हम किस रूप में कंसीडर करते हैं? तो हम इसको जेरंड के रूप में कंसीडर करते हैं। देखिए, अभी हम जेरंड और पार्टिसिपल के रूप में अंतर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भीपुर ही जेरंड है और भीपुर ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब एक सवाल उठेगा कि कब भीपुर जेरंड होता है और कब भीपुर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नॉर्मली हम वी फोर का यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा वी फोर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कंसीडर किया जाता है। लेकिन सेम वी फोर अगर सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाता है वहां पर वो जेरंड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए, तो आपको बेहतर अच्छे से पता चलेगा कि कब वी फोर आपका जेरंड होता है और कब वी फोर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, आई एम वॉकिंग। ठीक है, समझने वाली बात है। यहां पर ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट है, यहां पर ईजे मार में से कोई शब्द आया और यहां पर वी फोर आ गया, तो ये वी फोर जो है टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ आ रहा है। इसलिए ये जो वॉकिंग है यहां पर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आपको दूसरा सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा सेंटेंस है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आप जरा इस सेंटेंस को देखिए, आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ये क्या है वॉकिंग, यहां पर सब्जेक्ट है, ये क्या है यहां पर वर्ब है, और ये जो है यहां पर है ये कॉम्प्लीमेंट है। अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं आप इसको, कॉम्प्लीमेंट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
ये वॉकिंग जो है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस बिफोर या फिर सब्जेक्ट प्लस वाच वेयर प्लस बिफोर या फिर सब्जेक्ट प्लस कोई भी स्ट्रक्चर जो टेंस से रिलेटेड होता है उस स्ट्रक्चर के आधार पर ये बिफोर का यूज नहीं किया गया, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। आप समझ लीजिए कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। डायरेक्ट रूप से या तो आप नाउन का यूज करते हैं या फिर प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि यहां पर जो वॉकिंग है ये जो बिफोर है ये इस प्रकार का बिफोर नहीं है। ये टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए जो बिफोर हम लोग यूज करते हैं, वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, उस प्रकार से नहीं आया है। एक्चुअली ये नाउन के रूप में आ गया है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, तो जेरंड हो गया। जैसे एक और सेंटेंस दिखाते हैं, एक सेंटेंस है अ वॉकिंग स्टिक इज वेरी यूजफुल फॉर एन ओल्ड मैन। इस सेंटेंस को देख लीजिए। अब इस सेंटेंस को भी आप क्या देख सकते हैं कि एक शब्द वॉकिंग आया है, ठीक है। तो अब एक सवाल उठेगा कि ये वॉकिंग जो है तो भर प्लस आईएन जिससे इसका निर्माण हुआ है, तो आप सवाल उठ सकता है कि जेरंड है कि पार्टिसिपल है, क्या है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये पूरा टर्म सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है तो या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तत्काल आप समझ सकते हैं कि स्टिक यहां पर नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव हो जाता है, यानी वॉकिंग यहां पर इस प्रकार से यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, जेरंड है। तो आप इस तरह से किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी सेंटेंस में वी फोर को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूज किया गया वी फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरंड है। अगर आप इसको पहचानने में सफल हो जाते हैं, आप अगर इसको पहचान लेते हैं आसानी से, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और हम प्रोड्यूस करते हैं, मैं प्रोड्यूस करता हूं और आशा करता हूं कि एग्जांपल्स के माध्यम से आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि यूज किया गया वी फोर पार्टिसिपल है या फिर जेरंड है। सेंटेंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस आपके सामने, सीता इज क्लेइंग। अब बात इस क्लेइंग की है, ओके, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस क्लेइंग। आई वांट टू टेल यू दैट दिस क्लेइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्लेइंग जो है सो क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सीजे मार्क प्लस वी फोर के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी जिस प्रकार टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं उस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पर यूज किया गया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई डोंट लाइक योर प्लेइंग। अब ये प्लेइंग को आइडेंटिफाई करना है। अब एक बात आप जानते हैं, आई सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, लाइक वर्ब है, इस सेंटेंस का वर्ब लाइक है, टेंस का स्ट्रक्चर यहां पर आ गया। ये प्लेइंग जो है ना यहां पर, ये प्लेइंग आपका यहां पर जेरंड है। एक्चुअली इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है। इसके पहचानने का एक और तरीका है कि यहां पर जो आपका योर यूज किया गया है, ये योर क्या होता है, ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव जो अधिकार का बोध कराता है, अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, पोजिशन को रिप्रेजेंट कराता है, और ये हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लेम क्या हो गया, यहां पर नाउन है, और जब बिफोर नाउन एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसको हम जेरंड के रूप में जानते हैं। कोई और एक सेंटेंस देखिए, ठीक है, एक सेंटेंस है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इस सेंटेंस में प्लेइंग को देखिए, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, यानी कि प्लेइंग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वी फोर या फिर सब्जेक्ट प्लस वाच वर्ब प्लस वी फोर के स्ट्रक्चर को तो फॉलो करके प्लेइंग आ नहीं रहा है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब भी आता है तो क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तत्काल नाउन के रूप में आया है, अतः ये जो है सो क्या है, तो ये आपका जेरंड है। क्या है, जेरंड है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका सामना वी फोर से हो जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका वी फोर जो है वो जेरंड है या पार्टिसिपल है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो क्या एक्चुअली होता क्या है कि जेरंड का प्रयोग हम फ्रीक्वेंटली सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब जब भी कोई टर्म सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि सेंटेंस के फॉर्मेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और वर्ब। सबसे पहले आपको सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके साथ सही वर्ब का यूज करना पड़ता है, और जब आप सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी सही वर्ब का यूज करेंगे। बात अभी जेरंड की हो रही है तो जेरंड भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो जेरंड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण थी हुई देखिए क्या है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जेरंड इज अ
सिमिलर सब्जेक्ट, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि जेरंड सिमिलर सब्जेक्ट है, यानी जेरंड जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएगा इसके साथ जो वर्ब यूज करना पड़ेगा वो सिमिलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा वॉकिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन में यहां पर इज और आर है। अब सवाल उठेगा कि इज के सहारे जाए कि आर के सहारे जाए, तो वर्ब के लिए को यूज करने के लिए सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग। वॉकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो जेरंड है। जेरंड कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, तो आपको सिंगुलर वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा। तो दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, प्लेइंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, यहां पर भी ऑप्शन के रूप में आपके सामने दो चीज है, इज और आर। आप सवाल उठता है कि आप इज के सहारे जाएं कि आर के सहारे जाएं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा, चूंकि प्लेइंग एक जेरंड है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। परंतु बट अगर आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से आ जाता है, वॉकिंग एंड प्लेइंग डैश गुड एक्सरसाइजेस, और यहां पर ऑप्शन में इज और आर है, तो अब आपको आर के सहारे जाना पड़ेगा। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है, यहां पर आर क्यों? तो मैंने आपको बताया कि जेरंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो एक जेरंड आता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन ये नेचुरल है, बट नेचुरल है कि जब एक से ज्यादा जेरंड आ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, और जब जेरंड प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी आपका सामना जेरंड से होगा आप आसानी से उसको पहचान जाएंगे कि जेरंड है वी को, जैसा मैंने आपको बताया इस रूल के आधार पर आप इस बात को आइडेंटिफाई कर जाइए कि वी जो है आपका जेरंड है, अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जेरंड का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन अगर जेरंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, और जेरंड जब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं भी आपको एक से ज्यादा जेरंड के का सामना हो जाए, कहीं भी आप देखेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक से ज्यादा जेरंड आ रहा है, तो ये बट नेचुरल है कि वो प्लूरल हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में आप जो वर्ब यूज करेंगे कैसा यूज करेंगे, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरंड की तरह एक शब्द होता है इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव चैप्टर एक पढ़ना होता है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन तत्काल जानिए कि नॉर्मली दो तरह के इन्फिनिटिव से आपका सामना होता है, एक होता है विदाउट टू और एक होता है विथ टू। अब एक सवाल उठेगा कि विदाउट टू इन्फिनिटिव और क्या होता है, विथ टू इन्फिनिटिव क्या होता है। जैसे गो का इन्फिनिटिव एक होता है गो और एक होता है टू गो, इसका यूज इन्फिनिटिव के रूप में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ठीक जेरंड की तरह जिस प्रकार से जेरंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटिव भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस बात को हम यहां पर लिखते भी हैं कि लाइक जेरंड एन इन्फिनिटिव इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि जेरंड की तरह इन्फिनिटिव एक सिमिलर सब्जेक्ट होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरा इशारा क्या है। मेरा इशारा यही है कि जब इन्फिनिटिव जेरंड की तरह सिमिलर सब्जेक्ट होता है, तो जेरंड की तरह इन्फिनिटिव के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिमिलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं वॉकिंग के साथ हमने इज लगाया है, चूंकि जेरंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अच्छा, हम इस जेरंड के जगह पर अगर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू वॉक डैश अ गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन में यहां पर इज और आर है, तो आप किसके सहारे जाएंगे, इज के सहारे जाएंगे, चूंकि इन्फिनिटिव भी जेरंड की तरह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, प्लेइंग, क्या लिखा मैंने, इज गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन में यहां पर आपके सामने इज और आर।
सॉरी यहाँ तो सेंटेंस है पूरा लिखा हुआ, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं। आपको पता है कि जेरंड एक सिमिलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए जेरंड के केस में सिमिलर वर्ब का यूज करते इसलिए इसका यूज किया गया है। इसी से मिलता जुलता सेंटेंस हमने लिखा टू प्ले डैश गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन में आया इज और आर। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे चूंकि इन्फिनिटी भी जेरंड की तरह सिंगुलर होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा इन्फिनिटिव आ जाए तो फिर जेरंड की तरह प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए इस बात को लिख भी देते हैं। इन द केस ऑफ मोर देन वन इन्फिनिटिव प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, एक से ज्यादा इन्फिनिटिव के केस में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए to play and to walk dash good for health, ऑप्शन में is और are है तो आप स्वाभाविक रूप से किसके सहारे जाएंगे? are के सहारे जाएंगे। तो अभी मैंने gerund और infinitive के थ्योरी को क्लियर किया और मुझे पूरी आशा है कि जब भी आपका सामना gerund और infinitive से होगा तो आप आसानी से सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। जेरंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा जेरंड जब आपके सामने आ जाए तो प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेम कंडीशन इन्फिनिटिव के साथ है, इन्फिनिटिव एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्फिनिटिव की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो इन्फिनिटिव आपका प्लूरल हो जाता है, इसलिए इन्फिनिटिव के केस में एक से ज्यादा इन्फिनिटिव के केस में आप प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस से आपका धरल्य से सामना होगा, फ्रीक्वेंटली आपका सामना होगा, तो आप इन थ्योरीज को ध्यान में रखेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा, व्हाट। अच्छा, इस व्हाट का एक मतलब होता है जो। एक सवाल आपके मन में आएगा कि व्हाट का एक मतलब क्या होता है, तो यह इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, स्पेशली क्वेश्चन के रूप में यूज होता है। तो व्हाट जब क्वेश्चन के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लेकिन व्हाट जब क्वेश्चन के रूप में यूज नहीं होता इसका मतलब क्या होता है जो। एक शब्द होता लिटिल, एक शब्द होता लेस, एक शब्द होता मच और ऐसे भी शब्द। ये जो शब्द है ना, ये शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, दीज आर अनकाउंटेबल वर्ड्स। अच्छा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी बात अनकाउंटेबल वर्ड्स की आएगी तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल वर्ड्स को, अनकाउंटेबल टर्म्स को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अतः वर्ब कैसा लगेगा सिंगुलर, तो ये सभी शब्द क्या हैं? दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। ये सभी शब्द क्या होते हैं? सिंगुलर। अतः इन सभी के केस में हम कैसे वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझिए, व्हाट ही सेड दैट्स राइट, ऑप्शन में वाज और बेयर। अब सवाल उठेगा कि व्हाट का, सॉरी वर्ड्स का यूज करें कि वर्ब का यूज करें। तो मैंने बताया कि व्हाट एक कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब कैसा लगेगा सिंगुलर, अतः आपको वाच के सहारे जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस है लिटिल डैश बीन डन एंड लेस डैश बीन लेफ्ट। यहां पर भी आपके लिए ऑप्शन में हैज और हैव है और यहां पर भी ऑप्शन में आपके लिए हैज और हैव है। देखिए जब भी सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। अब यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका लिटिल है और वर्ब आपके साथ हैज और हैव है, तो आप इतना जान चुके हैं कि लिटिल को सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, यानी कि लिटिल के साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए आपको हैज के सहारे जाना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहां लेस के केस में होगा, लेस को सिंगुलर कंसीडर किया गया इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए आप वहां पर किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। कोई और सेंटेंस देखते हैं, मच Task to be done, ऑप्शन में है remain और remains,
अब बताइए आपकी रिमेन का यूज करें कि रिमेंस का यूज करें। तो मच कैसा सब्जेक्ट होता है? तो मच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ मच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट सो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट सिंगुलर वर्ब हियर। एज फार एज वी हैव रिमेन एंड रिमेंस, फॉर योर टाइम इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट रिमेन इज v1, v1 इज ऑलवेज फुल वर्ब। एज फार एज रिमेंस इज कंसर्न्ड इट्स v5, v5 इज ऑलवेज सिंगुलर। सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, सो वर्ब विल बी सिंगुलर हियर। सो यू हैव टू गो विद रिमेंस। आपको यहाँ किसके साथ जाना पड़ेगा? रिमेंस के साथ जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस और देखिए। एक सेंटेंस व्हाट यू से डैश राइट, यहां पर हम इसका यूज करते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि व्हाट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, व्हाट यू डू डैश राइट, और यहां पर भी इज का यूज करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एक सेंटेंस यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हूं, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू डैश डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ऑप्शन में यहां पर आपके सामने इज और आर है। अब एक सवाल उठ सकता है, इज के सहारे जाए कि आर के सहारे जाए? तो यहां आपको आर वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा। सवाल उठता है क्यों? यहां पर आप देख सकते हैं कि अब तक हमारे पास एक ही क्लाउज होता था, व्हाट यू से या व्हाट यू डू। तो कोई भी चीज जब तक एक रहता है तभी तक उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब भी कोई चीज एक से ज्यादा हो जाता है उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। इसलिए यहां पर आपको आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर कैसा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब होता है, इज सिंगुलर होता है, इसलिए आर के सहारे जाना पड़ेगा। तो ऐसे सब जब आपके सामने आए उनके साथ आपको वर्ब यूज करना पड़े तो आप इतना जानेंगे कि ये सभी शब्द अनकाउंटेबल के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। जिन शब्दों को अनकाउंटेबल के रूप में कंसिडर किया जाता है, जब जब बात वर्ब की आए कि उनके साथ वर्ब यूज करने की, तो आप हमेशा उनके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन कोई भी टर्म अगर एक से ज्यादा हो जाए प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो जो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है उनके साथ जब वर्ब लगाने की बारी आती है तो आप हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक थ्योरी देखिए, नन या नोन, आपने इसको पढ़ा होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सिंगुलर होते हैं, दीज वर्ड्स आर, दीज वर्ड्स आर सिंगुलर। नन या नोन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो बट नेचुरली इनके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। जैसे कि देखिए कैसे, जैसे सेंटेंस है नो वन डैश मी। अच्छा, ऑप्शन में हेल्प है और हेल्प्स है, तो हम यहां पर इसका यूज हेल्प्स करते हैं। चूंकि नन और नोन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसा कि हमको आपको पता है कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, यानी हेल्प और हेल्प्स में हेल्प्स सिंगुलर है, इसलिए हेल्प्स के सहारे जाएंगे। लेकिन एक थ्योरी इसके रिगार्डिंग और भी है। एक थ्योरी क्या है, जैसे नन या नोन आपके सामने आ जाए, ठीक है, इसके बाद ऑफ आ जाए और यहां पर नाउन या प्रोनाउन आ जाए और आगे चल के बात वर्ब की आएगी। किसकी आएगी? वर्ब की आएगी। तो इसके बारे में आपने कभी कभी एक थ्योरी देखा होगा कि इस केस में कहने का मतलब नन या नोन के बाद ऑफ आकर के नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, तो इस केस में सेंटेंस का वर्ब नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। चलिए इस बात को हम लिखते हुए एग्जाम्पल से भी आपको बताते हैं। इन दिस केस द वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द गिवन नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा, नन ऑफ यू डैश हेल्प मी। ऑप्शन में हैज और हैव है, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं आंसर इसका हैव भी है, हैव के रूप में आ जाता है, ठीक है। यह एक सेंटेंस है, नन ऑफ देम डैश कमिंग। ऑप्शन में इज और आर है, तो आप देखेंगे यहां पर आर भी आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, ये कंट्राडिक्टरी थ्योरी है। कुछ ग्रामरियंस जो हैं, वो नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, कुछ लोग नन के साथ इस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यानी मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों के अनुसार हैव होगा, कुछ लोगों के अनुसार हैज होगा, कुछ लोगों के अनुसार आर होगा, कुछ लोगों के अनुसार इज होगा। अब एक सवाल उठेगा
कि चलिए ऐसे बोलना हो और लिखना हो तो आप किसी भी वर्ब के साथ जा सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम के क्वेश्चन के रूप में अगर ये आ जाता है, आपको वर्ब यूज करना पड़ता है, ऑप्शंस रहते हैं, वहां पर आपको एक ही ऑप्शन चुनना रहता है, तो क्या चुनेंगे? तो मेरी बात मानिए कि हर कंडीशन में नन और नोन को, इन शब्दों को आप सिंगल ही कंसिडर करें और इनके साथ सिंगल वर्ब का ही यूज करें, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए हम इस बात को लिख देते हैं, इन एवरी कंडीशन चेक दीज वर्ड्स सिंगुलर एंड सो यूज सिंगुलर वर्ड्स विथ दीज वर्ड्स। मतलब प्रत्येक कंडीशन में इन शब्दों को आप सिंगुलर लीजिए, अतः इन शब्दों के साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे आप सिंगुलर यूज करेंगे। आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर नोन या नन प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन वाला कंडीशन है, आपको नन या नोन दिखाई दे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, आपको वर्ब पुट करना है, आप सिंगल वर्ब यूज कीजिए। मुझे लगता है कि अच्छी तरह से आप इन चीजों को समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक थ्योरी और मैं बता देता हूं, हालांकि ये थ्योरी आपको पता है पहले से, मैंने इस थ्योरी को पहले रिवील किया है, ठीक है? तो चलिए मैं इस थ्योरी को बता देता हूं, उस थ्योरी को भी ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन अगर वैसे हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक शब्द होता है वन ऑफ। अच्छा, दिक्कत क्या समझिए, वन ऑफ के बाद नाउन भी आता है जो प्लूरल होता है, और ये जो वर्ब आता है इसको हमेशा सिंगुलर होना होता है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो तो वर्ब आप सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वन ऑफ द बॉयज डैश वेल। अच्छा, ऑप्शन है यहां पर प्ले और प्लेस। अब सवाल उठेगा कि प्ले के साथ जाए कि प्लेस के साथ जाए। एक्चुअली यहां पर बॉयज सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन। तो आपको पता है कि वन का मतलब क्या होता है, एक। तो वन कैसा टर्म है, सिंगुलर। तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो प्लेस के सहारे जाए। चाहे एक सेंटेंस है, वन ऑफ द गर्ल्स डैश गुड, और ऑप्शन में फिर आ गया इज और आर। तो आप सोच सकते हैं कि इज के सहारे जाए कि आर के सहारे जाए, तो यहां पर आप इज के सहारे जाइए। सवाल उठेगा क्यों, तो वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है। ठीक इसी प्रकार बीच वन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जब भी आपका सामना बीच वन से आ जाए तो बीच वन क्या होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो कैसे वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखिए, बीच वन ऑफ दीज बॉयज डैश डन दिस। अच्छा, ऑप्शन में यहां पर हैज और हैव है, तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है यहां पर कि बॉयज है, प्लूरल है, तो हैव के सहारे चले जाए। नहीं, जब भी सेंटेंस में वर्ब यूज करें तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो बीच वन है। बीच वन कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसा लगेगा, तो सिंगुलर लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं कुछ होमवर्क चेक करने वाला हूं अभी, और पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को भी चेक करूंगा। लेकिन तत्काल इतना जानिए, आज जो मैं होमवर्क सेट करने वाला हूं वो होमवर्क पिछले जो भी थ्योरीज मैंने पढ़ाए हैं सिंटेक्स चैप्टर में, यानी कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर के अंतर्गत जितने भी सेशन चले हैं उन सेशन को एक बार आप देख लेंगे अच्छे से, और तभी जाकर के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या होगा समझिए, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 93 पे जाना है, और 93 में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के और लास्ट तक, मतलब लास्ट जो है वो 50 नंबर होगा क्वेश्चन, यहां तक आप उसको सॉल्व करेंगे। जब 93 में 22 से लेकर के और लास्ट तक आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज होगा एक 94, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट, यानी उसमें भी 50 क्वेश्चन है, इस 50 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो इस होमवर्क को हम चेक करेंगे। लेकिन तत्काल अभी मैंने पिछले दिन होमवर्क चेक किया था, उस होमवर्क को मैं चेक कर देता हूं, कुछ ही है वो। एक्सरसाइज नंबर 93 था, और उस 93 में मैंने एक्सरसाइज नंबर 93 एक से लेकर के 21 क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में सेट किया था। तो अभी सबसे पहले मैं उसको होमवर्क के रूप में सेट कर देता हूं, चेक कर देता हूं, ताकि आपको अगर कोई समस्या हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए होमवर्क के रूप में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर एक, नो बॉय एंड नो गर्ल इज रेडी। मैंने एक रूल बताया था आपको, रूल ऐसा कुछ इस प्रकार से था कि नो का स्वीज सिंगुलर होता है अतः उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। स्लोन स्टडी डैश द रेस, यहां पर आपको बीन्स लिखना पड़ेगा क्योंकि स्लोन स्टडी पेयर वर्ड के अंतर्गत आता है और पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यहां पर हम वेट के सहारे जाएंगे, हालांकि टाइम एंड टाइड जो है पेयर वर्ड होता है, हमने बताया था कि पेयर वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन पेयर वर्ड के केस में एक टर्म जो था टाइम एंड टाइड वो पेयर वर्ड के एक्सेप्शन के रूप में कंसिडर किया जाता है, इसलिए पेयर वर्ड के साथ यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, वाइल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ये पेयर वर्ड नहीं है इसलिए प्लूरल वर्ब के सहारे जाएंगे। यहां पर ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, यहां ब्रेड एंड बटर को होलसम फूड कहा गया है, एक साथ इसका यूज किया गया है, ये सिंगुलर है, पेयर वर्ड है इसलिए वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। द हॉर्स एंड कैरिज पेयर वर्ड होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द क्रोन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ सिंगुलर है पेयर वर्ड है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। विस्की एंड सोडा डैश देयर ऑन द टेबल, यहां पर विस्की और सोडा को एक साथ मिक्स करके एक ड्रिंक के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, यानी इस सेंटेंस में विस्की एंड सोडा पेयर वर्ड के रूप में यूज नहीं किया गया, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए वो जो वर्ब में वेयर के सहारे जाएंगे तो बेहतर होगा। एग्स एंड बटर पेयर वर्ड नहीं होता इसलिए आप आर के सहारे जाइए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, आइस रेस डैश गोइंग टू डू इट नाउ, मैंने आपको एक अपोजिशन का केस बताया था, मैंने बोला था कि अपोजिशन के केस में सेंटेंस का वर्ब प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली अपोजिशन के केस में होता है कि सबसे पहले प्रोनाउन आता है, फिर कॉमा आता है, फिर नाउन आता है, सेंटेंस का वर्ब प्रोनाउन पर डिपेंड करता है, तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही डैश नॉट डू दिस, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नीड और नीड्स के बारे में, तो जब नॉट आ जाता है तो नीड मॉडल के रूप में आ जाता है, इसलिए फिर नीड्स बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्वेश्चन नंबर 12, He has to labor hard, यहां पर आपको needs के सहारे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, she does not peel anything, she के साथ डूज में से डज आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। she does not face her father, यहां पर dare और dares में से आप dare का यूज करेंगे चूंकि आगे not का यूज किया गया है। their dash gold and silver, जब सेंटेंस there से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस का वर्ब आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है, यहां पर आने वाला नाउन गोल्डन सिल्वर है जो कि दो टर्म है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल लगेगा, इसलिए आप यहां पर आर लिखेंगे, ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर, देयर डैस नो मैंगोज हियर, प्लूरल होता है इसलिए आर के सहारे जाना पड़ेगा। 17, देयर डैस ए बॉय एंड ए गर्ल, दो चीज है इसलिए प्लूरल है इसलिए आर के सहारे जाना पड़ेगा। 18, देयर डैस नो होप हियर, होप सिंगुलर टर्म है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 19, द न्यू रेट्स आर एज फॉलोज, हमने आपको बताया था एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, एज रिगार्ड्स, ऐसे शब्द जिसमें से आप एस को हटा नहीं सकते हैं। सेम क्वेश्चन है 20, द मेन इवेंट्स वेयर एज, द मेन इवेंट्स वेयर एज, यहां पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉलोज यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप इसमें से एस को हटा नहीं सकते। और एक क्वेश्चन है 21, द फॉलोइंग दैट इज द नेम्स लाइकली टू बी सेलेक्टेड, यहां पर आर हो जाएगा क्योंकि फॉलोइंग और अंडर साइन जो है कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसा कि एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स के बारे में हमने बात किया था कि इनको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में आपको दिखाई दे और आपको लगता है कि ये सब सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आप गलत समझ रहे हैं। अतः जब भी कोई सेंटेंस एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, एज रिगार्ड्स या फॉलोइंग या अंडर साइन में से किसी भी शब्द से स्टार्ट होता है और बात जब वर्ब की आएगी, जब आपको सेंटेंस में वर्ब यूज करना पड़ेगा, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि आने वाले नाउन पर वर्ब डिपेंड करता है, जैसा डियर के केस में होता है। देयर जब इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज होता है तो देयर के साथ वर्ब आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है और देयर के आधार पर कोई वर्ब नहीं होता। जैसे देयर इज ए बॉय और देयर आर टू बॉयज लिखते हैं, देयर वाज ए किंग लिखते हैं और देयर वर टू किंग्स लिखते हैं। तो आज जहां तक मैंने आपको थ्योरी बताया, मुझे पूरा विश्वास है आपने उसको अच्छे से समझा होगा। इसलिए आज जिस जो होमवर्क मैंने सेट किया है उस होमवर्क को बनाने के लिए आज का थ्योरी और पिछले जितने भी सेशन मैंने चलाया है सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, उस थ्योरी को देखिए और आज के होमवर्क को चेक कीजिए। फिर अगले सेशन में मिलते हैं, आज वाले होमवर्क को अगले दिन चेक करेंगे, तो तब तक के लिए।